राजस्थान में ही राजस्थान निर्मित देशी शराब की तस्करी का मामला सामने आया है। और बड़ी बात तो यह है कि आजकल आबकारी विभाग द्वारा प्रदेश में सप्लाई की जाने वाली शराब के हर पव्वे बोतल पर होलोग्राम लगा होता है, लेकिन बूंदी के तालेड़ा में पुलिस ने जो गाड़ी पकड़ी उस पर होलोग्राम है ही नहीं। पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं। सत्रह अगस्त की शाम को बूंदी के तालेड़ा में पुलिस थाने की टीम ने देसी शराब से भरी हुई एक पिकअप को पकड़ा। पिकअप में देसी शराब भरी हुई थी और वो भी राजस्थान निर्मित। पिकअप से देसी शराब की राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल की मुहर लगी 190 पेटियां बरामद हुई। प्रत्येक पेटी में देसी शराब के 48 पव्वे और 190 पेटियों में कुल 9120 पव्वे बरामद किए गए। चौंकना इसीलिए भी वाजिब था कि राजस्थान निर्मित होने के बावजूद किसी भी पव्वे पर होलोग्राम नहीं था, यानी ट्रेस कर पाना मुश्किल है कि इन पव्वों का निर्माण कहां हुआ। बात इसीलिए चिंताजनक है कि गंगानगर शुगर मिल निर्मित देसी शराब की इतनी बड़ी खेप बगैर परमिट के ले जाई जा रही थी, जबकि गंगानगर शुगर मिल के गोदामों से जब भी कोई बड़ी खेप निकलती है तो उसका परमिट जरूर होता है। लेकिन यहाँ बगैर परमिट के पकड़ी गई देसी शराब की इस खेप से शुगर मिल के अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका सामने आ रही है। पुलिस अपनी जांच में जुटी है, लेकिन इसने आबकारी विभाग के अफसरों के कान भी खड़े कर दिए। ये कार्रवाई और कार्रवाइयों से अलग क्यों? पुलिस ने जो शराब जब्त की वो राजस्थान निर्मित है। हरियाणा या अन्य राज्यों की निर्मित शराब पकड़ना आम बात, चूँकि उत्पाद पर होलोग्राम नहीं है और गंगानगर शुगर मिल लिखा है इसलिए चिंताजनक है। सूत्रों ने कहा कि कोटा की रानपुर स्थित जीएसएम रिडक्शन सेंटर से निकली थी गाड़ी। रिडक्शन सेंटर पर बीते दो साल से आबकारी विभाग के प्रभारी का पद था रिक्त। कोटा दक्षिण के निरीक्षक के पास है अतिरिक्त चार्ज। ऐसे में आरएसजीएसएम के मैनेजर की भूमिका पर उठ रहे सवाल। आबकारी का बाबू भी यहाँ कई सालों से जमा हुआ, जबकि 6 माह में तबादले का है नियम। जांच हो तो खुलासा संभव है कि क्या वेस्टेज से बनाई गई ये मदिरा, यानी एक ही परमिट पर असली के साथ तस्करी की दूसरी गाड़ी निकाली गई। इस तरह राज्य सरकार को लाखों रुपए टैक्स का हुआ नुकसान। इस शराब तस्कर में कोटा के बड़े शराब ठेकेदार के जुड़े बताए जा रहे तार। क्या आरएसजीएसएम के अन्य गोदामों से भी तस्करी की होगी जाँच? पुलिस पूछताछ में अभी तक सामने आया कि गाड़ी लाने वाले दोनों आरोपी केवल कैरियर का काम कर रहे थे। पकड़े गए अभियुक्त सत्यनारायण और जुगराज को कोटा से गाड़ी दी गई और आगे भीलवाड़ा में डिलीवरी देनी थी। पुलिस इन बिंदुओं पर जांच में लगी हुई है। इसमें एक आरोपी रवि माहेश्वरी का नाम भी सामने आ रहा है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में पुलिस की जांच में खुलासा होने की उम्मीद है कि गंगानगर शुगर मिल निर्मित मदिरा का अवैध परिवहन क्यों हो रहा था। जरूरत इस बात की भी है कि आबकारी विभाग की अपनी इस गड़बड़ी पर पर्दा डालने के बजाय ये जांच करे कि गंगानगर शुगर मिल की बनी देसी शराब बगैर होलोग्राम के आखिर निकली क्यों? यदि इसमें आबकारी विभाग और गंगानगर शुगर मिल के अधिकारियों की मिली भगत है तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी की जानी चाहिए। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए काशीराम चौधरी की रिपोर्ट।